उन्होंने कॉल भी की सी, उन्होंने सारा दस्या सी तुहाडे अब्बू की तबीयत ज़्यादा सीरीयस है, कहिंदे असी आ जा भी। मैं क्या मैं कौन हुंदी आं तुहानूं रोकण वाली, जे मैं कौन हुंदी आं तुहानूं कहण वाली, अगे तुसीं आपे वेख लो। वीडियो कॉल ते उन्होंने उन्होंने अब्बू की हाल भी विखाया सी, सारा कुछ किया सी, लेकिन कोई भी नहीं आए। 23 दिनां विच कोई नहीं, ना कोई बेटी आया, ना कोई बेटा आया, ना कोई भैन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार आया सी। 22 दिन 5 महीने तो मैं अंकल दे नाल ही सी, सारे मुहल्ले ने भी पता है मैं अंकल की खिदमत की। मैं इस तरह उन्हां दी खिदमत की जिवें अपने माँ बाप की की, लेकिन जब के आखिरी सांस थे ना, उन्होंने यही कहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ दे। मैंने सोचा अंकल ऐसी बातें करें, मैं साथ भाई मकसूद को बुला के लेके आई हूँ, फ़ौरन भाग के गई हूँ मैं वो भाई को लेके आई हूँ। भाई ने आके देखा है तो ना अंकल की डेथ हो गई थी, चल गए थे अंकल दा ऐस बेड तो थल्ले डेग के चूल्हा टुट गया। फिर असी उन्होंने छोटे ऐसे हॉस्पिटल लेके दे गए बैरियोर चले ले, लेकिन उन्होंने ना क्या भी इन्हों की ना असी एक्सरे करवाया, उन्होंने कहा कि हड्डी ना जी चूल्हे की ना वह फ्रैक्चर हो गए। फिर असी उन्होंने बड़े बैरिया लेके गए, बड़े बैरिया च असी उन्होंने रखिया 23 दिन। 23 दिन के उन्होंने चूल्हे का भी ऑपरेशन होया, उस तो बाद फिर उन्होंने ना पीते की नाड़े कोई पत्थरी सी उनका भी ऑपरेशन होया। फिर उन्होंने अचानक जो ऑपरेशन ठीक ठाक हो गए, अंकल ठीक ठाक हो गए, अचानक उन्होंने सांस का मसला बन गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाज़रीन तुहाडी खिदमत हाज़र है, तुहाडा होस्ट बाबर बेग, तुसीं वेख रहे हो अपना ABIG TV। इन्ना लिल्ला इन्ना वाला है राजे हुण माजर जहांगीर साहब अज साडे च मौजूद नहीं, दुनिया फानी तो कूच कर गए ने। मेरी सबका वीडियो बिल्कुल इस बैड पर बैठ के जी मैं उन्होंने की हुई है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और खैर अज माजर जहांगीर साहब फौत हो गए ने, बहुत सारे लोग आएंगे आते रहेंगे, बहुत सारिया खबरों की वो सच हो गए, लेकिन अलहमदुल्ला मैं एक साल पहले बिल्कुल सेम मौसम दे विच मैं उन्हों को आया मिलिया, हाल वाल कीता, कंपनी कीती, लेकिन जिंदगी चलो चली दा मेला है। तो माजर साहब अज दुनिया फानी तो कूच कर गए ने, उन्होंने चूंकि इत्थे उन्हों की फैमिली दे विचों कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन उन्हों की मूँह बेली बेटी जिहड़ी है वो साडे नाल ने, उन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी माजर साहब कदों अज सुबह किन्ने बजे डैथ हुई उन्हों की? उन्हों की अज सुबह हुई है 10 बजे। 10 बजे डैथ जी? 10 बजे। ठीक है, तो तुसी भी कराची तो बिलोंग करते हो या तुसी इत्थों पंजाब तो? नहीं नहीं असी ओकाड़ा तो। ओकाड़ा तो जी। ठीक है, अच्छा जदों मैं पहले आया सां ते तुहाडे नाल मुलाकात नहीं सी हुई जी, लेकिन अज मैं आया तुहाडे नाल मुलाकात हुई, तो कितनी देर हो गई तुहानूं माजर जहांगीर साहब कोल? अंकल ना सानू मिलदियां जुलदियां तां 10 साल हो गए ने। अच्छा ठीक है। जो रेगुलर मैं रह रही हूँ ना अंकल कोल मैनू 5 महीने हो गए ने। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया अंकल दा अचानक ए बैड है इन्दे ते नाल दियां दा बच्चा आया सी, ते उन्हां नाल जिवें बंदा बच्चियां दे ध्यान हो जांदा, अंकल दी बच्चे दे ध्यान हो गया ते अंकल दी थल्लों चप्पल फिसल गई ते अंकल दा ऐस बैड तो थल्ले डिग के चूल्हा टुट गया। फिर असी उन्हूं छोटे ऐसे हॉस्पिटल लैके दे गए बैरियोर चले ले, लेकिन उन्होंने ना क्या भी इन्हां दी ना असी एक्सरे करवाया, उन्होंने कहा कि हड्डी ना जी चूल्हे दी ना वो फ्रैक्चर हो गई। फिर असी उन्होंने बड़े बैरिया लैके गए, बड़े बैरिया च असी उन्होंने रखिया 23 दिन। 23 दिन के उन्होंने चूल्हे का भी ऑपरेशन होया, उस तो बाद फिर उन्होंने ना पीते की नाड़े कोई पत्थरी सी उनका भी ऑपरेशन होया। फिर उन्होंने अचानक जो ऑपरेशन ठीक ठाक हो गए, अंकल ठीक ठाक हो गए, अचानक उन्होंने सांस का मसला बन गया। जो सांस का मसला बनया, सांस के मसले तो ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने तबीयत मजीद खराब खराब दिन ब दिन खराब हो गई। रात को उन्होंने कह दिता भी तुम इन्हों घर लैके चले जाओ बैरिया वाले ने। जो असी रात को लैके आए हैं, रात को असी इतने 10 बजे इन्हों लैके आए हैं, जो 10 बजे घर लैके आ गए उन्हों की तबीयत मजीद खराब मजीद खराब। फिर उन्होंने ना मैनू दी सी मशीन नाल दिती सी, उन्होंने इन्हें दिता से मेडिसन भी जी भाप देने वाली सांस में कोई थोड़ा जहा ना सहूलत हो जाती सांस वास्ते, वो फिर असी उन्होंने दी दे के। तो फिर उस तो बाद सुबह फिर उन्होंने उस तरह सांस का मसला इशू शुरू हो गया। फिर मैं उन्होंने भाप दी, भाप दे के सारी रात उन्होंने पानी पिला, उन्होंने चाह पिला करके, तो फिर इस तरह करके तो सुबह उन्होंने मजीद जो तबीयत खराब हो गई सी ना उदो फिर मैं उन्होंने भाप लाई, भाप ला के तो उन्होंने ना सारे मुँह तो पसीना आया, तो मैं टिशू ना साफ किया, मैं पूछी अंकल जी अंकल जी अंकल जी, तो ना आंखें जो ऐसे उपर ही लगी रह गई। मैं पूछ रही अंकल जी मैं इधर आ
आपकी बेटी आसिया खड़ी हूँ, अंकल जी आप इधर देखें, लेकिन नहीं उनको कोई ऐसा पता नहीं। लेकिन जब उनके आखिरी सांस थे ना, उन्होंने यही कहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ दे। मैंने सोचा अंकल ऐसी बातें करें, मैं साथ भाई मकसूद को बुला के लेके आई हूँ, फ़ौरन भाग के गई हूँ मैं वो भाई को लेके आई हूँ, भाई ने आके देखा है तो ना अंकल की डेथ हो गई थी। ये आज सुबह मंगल का दिन जो टाइम था वो 10:10 का है सुबह का। ठीक है, तो हूँ जी उन्होंने बच्चे ने उन्होंने इतलाह हो गई है, उन्होंने की ख्याल है कि जनाजा लाहौर च होएगा या कराची होएगा? अंकल की आखिरी ख्वाहिश जो माजिद जहांगीर की ख्वाहिश ना, वह कहता सी मैनू ऐसे बहरिया के कब्रगुस्तान के दफनाना, क्योंकि उन्होंने वाइफ सभा थी उनकी भी डैथ इतें ही हुई थी, उन्होंने भी बहरिया ने जो उसने अपने जनाजगा दफनाया गया से। अंकल की भी सारी वीडी ख्वाहिश यह सी जो मैं मर जावा मेरी अपनी वाइफ सभा के कोल मैंने दफनाना। ठीक है, तो जिहड़े माजिद जहांगीर साहब के बच्चे ने किन्ने ने, उन्होंने तलाक हो गई, वो आ रहे ने जी? उन्होंने भाई मकसूद नाल उन्होंने रबता हुंदा सी, उन्होंने हर गल का पता सी, साडा अबू बीमार है, साडे अबू नूं भी होस्पिटल रखिया, साडे अबू नाल भी मूँह बोली बेटी उन्दे कोल आएगी, उन्होंने कॉल भी की सी, उन्होंने सारा दस्या सी, साडे अबू की तबीयत ज़्यादा सीरीयस है, कहिंदे असी आ जा भी, मैं कि मैं कौन हुंनी आ तुहानूं रोकण वाली, जां मैं कौन हुंनी आ तुहानूं कहण वाली, अगे तुसीं आपे वेख लो। वीडियो कॉल ते उन्होंने उन्होंने अबू दी हाल भी विखाया सी, सारा कुछ किया सी, लेकिन कोई भी नहीं आए। 23 दिनों में कोई नहीं, ना कोई बेटी आया, ना कोई बेटा आया, ना कोई भैन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार आया से। 22 दिन 5 महीने तो मैं अंकल के नाल ही, सारे मुहल्ले ने भी पता है, मैं अंकल की खिदमत की, मैं इस तरह उन्होंने की खिदमत की जिमें अपने माँ बाप की की। ठीक है, माँ बाप की खिदमत करके उनका आखिरी वक्त आया, तो वह भी उन्होंने बड़ा सोहना गुजारिया, अल्लाह ताला इनका अजर सानू भी देवेगा, अल्लाह ताला उन्होंने भी जन्नत आला तो आला मकान अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उन्होंने कलमा साथ करेगा। तो उन्होंने बच्चे जड़े ने करते कि ने वैल सैटल्ड ने या मतलब को मजदूरी करते ने कि नॉर्मल ने इन तरह ही? इस चीज़ का मैनू नहीं पता, अगर मजदूरी करते हैं तो तद भी नहीं पता, क्योंकि मैं 8-10 साल तो अंकल ने अपना दिल का भेत नहीं दिता आया भी मेरे बच्चे ने, यह तो कोई 5 महीनों तो उन्होंने नाल ने मैंने दसिया अंकल के अपने बच्चे में, फिर मैं अंकल ने पूछा सी, अंकल ने ना इस गल आके मैंने गुस्सा किया, फिर उस तो बाद मैं नहीं कभी पूछा सी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, असी महल्ले च आए हैं, चूंकि थोड़े अंदर वीडियो हो रहे सन, मैं बाहर खड़ा सा जी। तो महल के कोई पैसे दिया चह मंगवाइया हो रही ने, असं चाहते हैं साढ़े प्लेटफॉर्म तो अगर तुम उस हवाले कोई गल करने चाहो तो असी थोड़ा मैसेज पहुँचाने वास्ते तैयार हाँ। पैसों का मतलब कि पैसे जोड़े उन्होंने किसी ने दते या हेल्प की, मतलब वो तू देंगे रहे, कोई इस तरह की गल है? नहीं नहीं, मैंने इस तरह पैसे कोई नहीं दिते, जो भी उन्होंने आए ने बैंक अकाउंट सामने आते रहे, ठीक है, बैंक अकाउंट की तरफ उन्होंने को अपने ही पैसे ने, लेकिन जो उन्होंने इन्ना मोबाइल इस वे आए ने, यह छोटा उन्होंने मोबाइल मेरे कल उनके ने, तुम भी वेख सकते ने, सारे वेख सकते ने, कोई ऐसा पैसों का इशू नहीं। ठीक है, अज कि नेकी करोगे ना, लोग उतले ही गलत जानते हैं।